हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज आज हम जो बात करने वाले हैं वो सभी बैट्समैन के लिए बात करने वाले हैं। गाइज आज हम बात करेंगे कि बैट्समैन का फुटवर्क कैसे आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आप एक बैट्समैन हैं तो कैसे आप एक अच्छा अपना फुटवर्क पा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा गाइज कि अगर फुटवर्क नहीं है आपके पास तो आपको सभी तरीके के बॉलर्स को खेलने में प्रॉब्लम आएगी, आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो आज गाइज मैं ऐसे ही आपको 5 रिडल बताने वाला हूँ कि जिनको आप इंप्लीमेंट करके गाइज एक बहुत ही बेहतरीन फुटवर्क अपना कर सकते हैं। क्योंकि गाइज अगर किसी भी तरह की पिच बिहेव कर रही है और फुटवर्क नहीं है, अभी आप रिसेंटली टेस्ट मैच देख रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश का टेस्ट मैच देख रहे हैं गाइज, वहां पे स्पिन बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर वहां पे लैक ऑफ फुटवर्क अगर जो भी बैट्समैन कर रहा है या हल्का सा भी फुटवर्क में मिस्टेक्स हो रहा है या फुटवर्क प्रॉपर नहीं है तो गाइज वहां पे बैट्समैन सर्वाइव नहीं कर पा रहे और जल्दी से अपना विकेट दे जा रहा है। तो गाइज ऐसे ही मैं आज आपको 5 रिल बताने वाला हूं कि जिसको इंप्लीमेंट करके अगर आप बिगनर है तो बिल्कुल इसको करें, अगर आप क्रिकेट ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और क्रिकेट खेल भी रहे हैं तो भी आप इन ड्रिल्स को रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। तो गाइज वीडियो को शुरू करिए, चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा और गाइज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गाइज क्योंकि जितनी भी ड्रिल्स मैं आपको बताऊंगा वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मींस वन बाय वन एक दूसरे के साथ वो चल रही है। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आप जो रिलेटेड पार्ट है वो उसका ना सीख पाए। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू करते हैं और गाइज अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और गाइज अगर वीडियो से कुछ सीख के जाएंगे तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए गाइज वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज पहले ड्रिल में आपको करना क्या चीज़ है, आप सेटअप देख रहे हैं कि आपको ऐसे कोन्स लगा ले रहे हैं और उसके बाद आपको करना क्या चीज़ है गाइज कि इनके बीच में से आपको जंप करके जाना है। कैसे जंप करना है, जो जंप आप करेंगे वो अपनी टोस के ऊपर करेंगे, मैं आपको करके बताता हूँ कि आपको कैसे करना है। गाइज इसके आपको रेगुलरली जो रिपीटिशंस करने हैं वो 5 से 6 रिपीटिशंस करने हैं और इसी के साथ मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज भी बता देता हूँ, मीन सेकंड ड्रिल भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। सेम इसी चीज़ को आपको साइडवेज मूवमेंट, तो गाइज ये ड्रिल्स आपको दोनों करनी है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप चल रहे हैं तो इसको इस तरीके से ना चलें, आपको पूरा फीट ड्रैग करके चलना है, जैसे मैंने आपको बताया था ऐसे ही आपको अपनी फीट पूरा ड्रैग करके चलना है। तो गाइज चलिए थर्ड ड्रिल की तरफ चलते हैं। गाइज थर्ड ड्रिल जो है वो एक बैटिंग ड्रिल है, मींस आपको बैटिंग वाइल कैचिंग करना है, कि मींस बैटिंग करते हुए आपको कैचिंग करना है। कैसे करना है चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो गाइज फोर्थ ड्रिल में करना क्या चीज़ है, जो थर्ड ड्रिल हमने किया है अभी हम विदाउट हैंड किया था, बैटिंग में करेंगे, इसमें आपका पार्टनर आपको करेगा क्या कि थर्ड ड्रिल में भी आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी और फोर्थ ड्रिल में भी, मींस जो अब हम ड्रिल करने वाले हैं इसमें भी आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। इसमें गाइज करना क्या चीज़ है कि आपको बैक फुट और फ्रंट फुट, मींस बैक फुट एंड फ्रंट फुट ड्रिल है ये, कि एक बॉल जो होगा आपका पार्टनर आपको बैक फुट में फेंकेगा और तुरंत एकदम बॉल आपको फ्रंट फुट में फेंकेगा। कैसे फेंकेगा चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइज फिफ्थ ड्रिल में आपको करना क्या चीज़ है, फिफ्थ ड्रिल में आपको डबल फुट ड्रिल है, उसमें भी आपको एक पार्टनर की जरूरत पड़नी है। कैसे करनी है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये 5 और ड्रिल थी जो मैंने आपको करके भी दिखाई और मैंने आपको बता भी दिया। गाइज अगर आप एक बिगनर है और आप एक इंटरमीडिएट है या ऑलरेडी आप क्रिकेट खेल रहे हैं और अगर आप रेगुलरली ये ड्रिल्स अगर आप कर रहे हैं, अगर आप लैक ऑफ
फुटवर्क में दिक्कत आपकी हो रही है या लैक ऑफ फुटवर्क आपका चल रहा है, तो गाइज मैं गारंटी से बोल सकता हूँ इन पांचों ड्रिल को अपना के आप अपना फुटवर्क बहुत अच्छे कर सकते हैं। गाइज वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और गाइज अगर चैनल पे नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और गाइज अगर आपका फुटवर्क के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरी है, इन ड्रिल्स को फॉलो अप करने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और गाइज अगर आपके लिए यूजफुल हुई है तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि गाइज बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।